हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, और हमारा जो एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005, उसी तरह जो प्रोविजन अमेंड हो चुकी है 2019 एक्ट के अंदर उनको हम स्टडी करेंगे। तो स्टेट इंफॉर्मेशन किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होता है, किस तरह से जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन है, सैलरीज क्या है, टर्म क्या है, पावर और फंक्शन क्या है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, टाइप कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है स्टेचुटरी बॉडी है जो कि 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर एस्टैब्लिश की गई है। इसको स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती है बाय गिविंग ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। देखो, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी जो कंप्लेंट है या अपील है अप्लाई टू राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसको ये एंटरटेन करती है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एस्टैब्लिश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एट द स्टेट लेवल, जो कि उस स्टेट के रिगार्डिंग जो भी पब्लिक ऑफिसेज होते हैं ताकि जो लोग हैं वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टैचुटरी बॉडी है जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है ताकि लोग जो है इंफॉर्मेशन को, जो पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो एक्सेस कर सके। और यहाँ पे जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की जो ज्यूरिसडिक्शन है, स्टेट बॉडीज है, PSU है, अथॉरिटीज है जो उस स्टेट के कंट्रोल में आते हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसके अंदर एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और उसी तरह स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं जिनकी संख्या जो है 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और उसके साथ जो है उसको असिस्टेंस करने के लिए नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो कमिश्नर्स हैं इनको जो है अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, एक कमेटी बनती है, कमेटी जो है गवर्नर को रिकमेंड करती है और कमेटी के अंदर जो है चीफ मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जिसको चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। तो ये तीनों मेंबर्स की कमेटी होती है जो कि गवर्नर को रिकमेंड करती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, मतलब वो जो व्यक्ति है वो मतलब हाई रैंक के व्यक्ति होनी चाहिए, पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब उनकी नॉलेज जो एक्सपीरियंस है लॉ में हो सकता है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो सकता है या मैनेजमेंट में हो सकता है या जर्नलिज्म में हो सकता है या मास मीडिया में हो सकता है या एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस के अंदर हो सकता है। वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना ही मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नहीं होने चाहिए, और ना ही उनके पास एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, ना ही वो कोई बिजनेस कैरी ऑन करते हो, ना ही वो प्रोफेशन कैरी ऑन करते हो। और जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स व्हिच एवर इज अर्लियर। तो देखो, जितनी टर्म्स की कितनी देर तक उन्होंने पीरियड होल्ड करना है वो जो कंडीशंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, या अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स, दोनों में से जो अर्ली होता है। उसी तरह देखो, जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रिक्वायरमेंट, बट जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो एज ए स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है अपॉइंट हो सकता है, बट जो टोटल टेन्योर है जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी थे और अब वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी बनते हैं, तो वो टोटल ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए।
एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज सॉरी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर फॉर ए टेन्योर टोटल टेन्योर इंक्लूडिंग हिज और हर टर्म एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंक्लूडिंग स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शुड नॉट एक्सीड 5 years. और कब जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स को रिमूव किया जा सकता है अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1. गवर्नर जो है बाय ऑर्डर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी रिमूव कर सकता है और एनी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी रिमूव कर सकता है प्रोवाइडेड कि वो जो है दे आर एडजस्ट इंसॉल्वेंट और कोई ऐसे ऑफेंस के अंदर उनको कन्विक्शन हुई है जिसके अंदर जो है मॉरल टर्पिट्यूड नैतिकता के जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे जो है उनको कोई कन्विक्शन हुई है सजा हुई है या वो अपने ऑफिस जो टर्म ऑफ ऑफिस है किसी अपनी ऑफिस की ड्यूटीज के अलावा उन्होंने कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ली है और उसी तरह वहां पे लगता है कि गवर्नर को लगता है कि वो मतलब के इनफॉर्म मतलब दे आर इनकैपेसिटेटेड ड्यू टू द इनफॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी जहां पे गवर्नर को लगता है कि वो मतलब अनफिट है ड्यू टू द मेंटल इनफॉर्मिटी और उसी तरह उन्होंने कोई अपने ऑफिशियल फंक्शन करते हुए कोई फाइनेंशियल या ऐसा इंटरेस्ट लिया है जो कि उनकी ऑफिशियल ड्यूटी के अगेंस्ट जाता है तो यहाँ पे इन एडिशन टू द अबव सर्कमस्टांसेस जो गवर्नर है can also remove the chief information commissioner or any state information commissioner on the ground of rude misbehavior or incapacity. और देखो यहाँ पे क्या है कि अगर गवर्नर को लगता है कि misbehavior जो प्रूव हो जाता है या incapacity प्रूव हो जाती है तो वहां पे भी वो रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे जो मैटर है वो गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के बाद लगता है कि ये बात सही है तो वो गवर्नर को एडवाइस कर सकती है कि इनको रिमूव किया जाए. सैलरी है जो अलाउंसेस है अदर सर्विस कंडीशंस है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है और इनको इनकी टेन्योर के अंदर जो है इनके डिसएडवांटेजेस पे मतलब उनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता. फंक्शन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन देखो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति से कोई भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कोई जो है कंप्लेंट आती है रिसीव करते हैं इंक्वायर कर सकते हैं तो यहाँ पे देखो ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट इस वजह से सबमिट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंटेड नहीं था तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर उस एप्लीकेशन को उस कंप्लेंट को रिसीव कर सकते हैं इंक्वायर कर सकते हैं. उसी तरह किसी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन देने से मना किया गया है और उसी तरह स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर उसका इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्स नहीं मिला या जिस व्यक्ति को लगता है कि फी चार्जेस जो है अनरीजनेबल है और यहाँ पे जो मतलब इंफॉर्मेशन दी गई है इनकम्प्लीट है मिसलीडिंग है फॉल्स है तो वो जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वहां पे वो रिसीव कर सकते हैं और उसके अंदर देख सकते हैं कोई भी मैटर जो इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करता है. उसी तरह जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं कि इस पर मतलब इस एक्ट के अंदर इन प्रोविजन को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो रिपोर्ट आती है उसको स्टेट लेजिस्लेचर के पास प्लेस करती है. पावर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन देखो कमीशन कैन स्यू मोटो ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड. स्यू मोटो का मतलब होता है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है अपने बिहाफ पे अगर उनको लगता है रीजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करती है तो वो एक इंक्वायरी जो है ऑर्डर कर सकते हैं. अगर देखो यहाँ पे जो है जब कमीशन इंक्वायर करता है तो उनके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर होती है. व्हाइल इंक्वायरिंग द कमीशन हैज द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर. तो यहाँ पे जो व्यक्ति है उनको समन भेजा जा सकता है उनकी अटेंडेंस के लिए इन्फोर्स किया जाता है और उनको कंपेल किया जा सकता है कि ओथ के बेसिस पे वो ओरल या रिटन एविडेंस जो है दे और उसी साथ ही डॉक्यूमेंट जो है उनको प्रोड्यूस करें या चीजों को प्रोड्यूस करें.
यहाँ पे जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, ही इज दे आर हैविंग द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, ओथ के बेसिस पे वो उनको कंपेल कर सकते हैं मुंह जबानी या रिटन एविडेंस दे, डॉक्यूमेंट्स दे और जो थिंग्स है उनको प्रोड्यूस करें, उनको समन भेज सकते हैं, उनके अटेंडेंस के लिए इन्फोर्स किया जा सकता है कि वो प्रेजेंट हो। और उसी तरह जो डॉक्यूमेंट जो है उनको डिस्कवर कर सकते हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एफिडेविट के बेसिस पे एविडेंस को रिसीव कर सकते हैं। और उसी तरह कोई पब्लिक रिकॉर्ड जो है किसी भी कोर्ट से या ऑफिस से जो है मंगवा सकते हैं। और उसी तरह विटनेस जो होते हैं उनकी समन भेज सकते हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। और उसी तरह इंक्वायरी के दौरान उनको कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड चाहिए तो वो मंगवा सकते हैं। ऑल पब्लिक रिकॉर्ड मस्ट बी गिवन टू द कमीशन ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ फॉर एग्जामिनेशन। द कमीशन हैज द पावर टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या है कि कमीशन के पास पावर है कि जो पब्लिक अथॉरिटी के डिसीजन है उसको कंप्लायंस किया जाए। इसके अंदर क्या है कि जैसे पब्लिक अथॉरिटी को डायरेक्शन दे सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको अपॉइंट किया जाए। और उसी तरह कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाए, इस तरह की कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है पब्लिकेशन की जाए। और उसी तरह क्या है कि मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू द प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट मेंटेनेंस एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिकॉर्ड। उसी तरह ही जो है पब्लिक ऑफिसेस को कह सकते हैं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए।